दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी राजस्थान के एक जिले से निकलकर सामने आई है, जहां रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने गया प्रेमी प्रेमिका और उसकी जवान विधवा बहन में अंतर नहीं कर पाया। उसके बाद जो हुआ आपको देख लो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऐसे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। चलिए पूरी कहानी विस्तार से बताती हूँ दोस्तों, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहे। यहाँ की रहने वाली 25 वर्षीय कुसुम का अपने ही गांव के 25 वर्षीय शिखर के साथ पिछले कई महीनों से अफेयर चल रहा था। इस बीच दोनों आए दिन परिवार वालों की चोरी छुपे एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर रहे थे। एक रात की बात है जब कुसुम के माता पिता किसी काम से रिश्तेदार के घर गए हुए थे और कुसुम अपनी बड़ी बहन के साथ घर में अकेली थी। तभी सुनहरा मौका देखकर कुसुम रात के 12 बजे अपने प्रेमी शिखर को कॉल करके घर बुला लिया और उसे रूम में ले जाकर अवैध संबंध बनाने लगी। इस बीच अवैध संबंध बनाने के दौरान दोनों इतने मग्न हो गए कि दोनों की कामुक भरी आवाजें रूम से बाहर आने लगी और बगल के रूम में लेटी हुई कुसुम की विधवा बहन पुष्पा को सुनाई दी, जिसके बाद वे तुरंत जाग गयी और मन ही मन सोचने लगी कि आखिर क्या बात है जो इतनी रात को हमारी छोटी बहन कुसुम के रूम से अजीबोगरीब किस्म की आवाजें आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई हो। ऐसा सोचकर उसकी विधवा बहन पुष्पा तुरंत अपने बिस्तर से उठी और दबे पांव अपनी बहन कुसुम के रूम के पास पहुंच गई और जैसे ही खिड़की से झांक कर कुछ देर तक अंदर का नजारा देखी तो उसके भी मन के अंदर वासना भर गई, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हुए वहां से वापस अपने रूम में चली आई और लेटकर सो गई। जब सुबह हुआ तो पुष्पा अपनी बहन कुसुम को अपने पास बुलाई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ कुसुम, आज तो तुम बहुत थकी हुई लगती हो, कहीं ऐसा तो नहीं रात में एक्सरसाइज ज्यादा कर लिए हो। बड़ी बहन के मुंह से ऐसा शब्द सुनते ही कुसुम तुरंत आश्चर्य में पड़ गई और अंदर ही अंदर सोचने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं आज रात बड़ी बहन ने मुझे प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देख तो नहीं लिया। ऐसा सोच ही रही थी तभी उसकी विधवा बहन फिर से मुस्कुराते हुए बोली, तुम टेंशन मत लो, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी, बस एक बार तुम मुझे रात में अपने प्रेमी से मिलवा दो, क्योंकि जब से तुम्हें उसके साथ रात में देखी हूँ तब से मेरा बहुत मन कर रहा है 61-62 गेम खेलने के लिए। तो वे कहने लगी, ठीक है बहन, तुम टेंशन मत लो, वैसे तो वे हमारेगा नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग दिमाग लगाती हूँ जिससे लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। ये कहकर कुसुम वहाँ से वापस अपने रूम में चली आई और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी, अब मैं क्या करूँ, हमारी बहन तो हमारी ही प्रेमी से मिलने के लिए कह रही है, कैसे अपने प्रेमी को अपनी बड़ी बहन से मिलवाएं कि मुझ में और बहन में वे अंतर नहीं कर पाए। इस तरह की बातों को कुसुम अपने मन के अंदर बार बार सोच ही रही थी तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, जिसके बाद वे अपनी विधवा बहन के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, बहन तुम्हारा काम हो गया, बस तुम्हें इसके लिए एक काम करना होगा कि वे हमारे और तुम्हारे में अंतर ना कर पाए, नहीं तो वे मुझसे नाराज हो जाएगा। तो वे कहने लगी, ठीक है बहन, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। जिसके बाद अब दोनों रात होने का इंतजार करने लगी। अब इधर जैसे ही धीरे धीरे समय बीता और रात हुआ, परिवार के सभी लोग खाना पानी खाकर अपने बिस्तर पर आकर लेटे तो पुष्पा की बहन कुसुम अपने प्रेमी शिखर को कॉल करके घर आने का न्योता दे दिया। और इधर कुसुम की बड़ी बहन पुष्पा होशियारी दिखाते हुए कुसुम की कपड़े पहनकर कुसुम के रूम में आकर लाइट ऑफ करके उसके बिस्तर पर लेट गई ताकि वे अंधेरे रूम में उसे पहचान ना कर पाए। अब इधर धीरे धीरे समय बीतता और रात के 12 बज गए। प्रेमी शिखर अपने घर से दबे पांव अपनी प्रेमिका कुसुम से मिलने उसके रूम में पहुंच गया तो देखा कमरे में अंधेरा है। कमरे में अंधेरा होने के चलते वह
प्रेम का और उसकी जवान विधवा बहन में अंतर नहीं कर पाया और प्रेम का की बहन को प्रेम का समझ कर 61-62 करने लगा। पुष्पा कई महीनों से जिस्म की प्यासी थी, वह जैसे ही अपनी छोटी बहन की प्रेमी को अपनी बाहों में पाया तो वैसे ही वे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और लगातार धरने से बिना कुछ बोले उसका साथ देने लगी और 61-62 गेम खेलने लगी। कुछ देर 61-62 गेम खेलने के बाद जब दोनों का मन शांत हुआ तो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, यानी उसकी छोटी बहन कुसुम का प्रेमी वहां से वापस अपने घर चला गया। इस तरह अब आए दिन पुष्पा अपनी छोटी बहन कुसुम को बहला फुसला कर उसके प्रेमी शिखर के साथ रात के अंधेरे में अपनी जिस्म की प्यास बुझाने लगी थी। उधर उसकी छोटी बहन का प्रेमी शिखर भी रात के अंधेरे में अपनी प्रेमिका और उसकी बहन पुष्पा में पहचान नहीं कर पाता था, जिसके चलते वह भी अंधेरे कमरे में अपनी प्रेमिका की बड़ी बहन पुष्पा को अपनी प्रेम का समझ कर 61-62 गेम खेलने में लगा हुआ था। मगर कहते हैं दोस्तों, बुराई पर कितना भी पर्दा डाल लो, सच्चाई तो एक ना एक दिन जरूर निकल कर सामने आती है। ठीक ऐसे ही हुआ हर बार की तरह है। एक रात जब पुष्पा अपनी छोटी बहन कुसुम को बहला फुसला कर उसके प्रेमी शिखर के साथ अपनी रातें रंगीन कर रही थी, यानी 61-62 गेम खेल रही थी, तभी अचानक इसी दौरान पीछे से पुष्पा की माँ वहाँ पर आ गई तो देखी रूम का दरवाजा खुला है और कमरे में अंधेरा है। ये देखकर वह तुरंत भौचक की रह गई और अंदर ही अंदर सोचने लगी कि हर रोज तो कमरे में लाइट जल रहा था मगर आज क्यों नहीं जल रहा है और रूम का दरवाजा भी खुला हुआ है। कुछ तो दाल में काला है, नहीं तो इतनी रात को कमरे में उजाला होता है और रूम का दरवाजा भी बंद होता है। ऐसा मन में विचार करके वह तुरंत अपने मोबाइल का टॉर्च जलाई तो वहाँ का नजारा देख कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह देखी कि हमारी ही बेटी पुष्पा हमारे ही गांव के एक युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। अब जैसे ही पुष्पा की मां पुष्पा को इस अवस्था में कुछ देर तक देखी तो वह तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गई और तुरंत बेटी पुष्पा को पकड़कर मारने लगी। अब जैसे ही पुष्पा की मां पुष्पा को डांटने और मारने लगी तो वैसे ही शिखर मौका पा गया और तुरंत वहां से फरार हो गया। अब जैसे ही शिखर वहां से फरार हुआ तो वैसे ही पुष्पा अपनी मां से छोटी बहन कुसुम के प्रेमी शिखर से शादी करने की जिद पर अड़ गई। पुष्पा द्वारा बार बार जिद करने पर उसकी मां मान गई और तुरंत बेटी पुष्पा को लेकर शिखर के घर पहुंच गई, जहां उसने शिखर के माता पिता को पूरी बात बताई, जिसके बाद शिखर के माता पिता भी मान गए और खुशी मन से दोनों की शादी कर दी। तो देखा दोस्तों, आपने आजकल समाज में इस तरह के मामले अक्सर देखने और सुनने को मिल रहे हैं, इसलिए आप आपराधिक मानसिकता को समझें और आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहें। अपने परिवार को